सेना के लोग हैं जो भले ही आज गुहार का काम कर रहे हैं, किंतु इस देश की रक्षा के लिए जैसे मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई आज इस देशद्रोही CIA के एजेंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन लोगों ने शुरू की है। अरविंद केजरीवाल का एक ही लक्ष्य है भारत को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बनाना। ये CIA का एजेंट है, अंग्रेजों का एजेंट है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ईसाई है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। ऐसे नक्सलवादी जो हमारे सैनिकों को मरवाते हैं, ऐसे नक्सलवादियों को यदि फांसी की सजा दे दी जाए तो भी कम नहीं है, थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर 2010 को इस नक्सलवादी अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी टीम के साथ छत्तीसगढ़ का एक दुर्दांत खूंखार नक्सली आतंकवादी था विनायक सेन, उसके समर्थन में धरने के प्रदर्शन किए और उसके समर्थन में इसको छत्तीसगढ़ न्यायालय ने देशद्रोह के जुर्म में, नक्सलवाद के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे देशद्रोही के रिहाई के लिए इसने भारत बंद का आयोजन किया। ये अरविंद केजरीवाल जो भारत को गुलाम बनाना चाहता है, भारत की महिलाओं की अस्मिताओं से लुटवाना चाहता है अंग्रेजों पर, इस देशद्रोही को यदि गोली मार दी जाए तो भी कम नहीं है। ये तो थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए, सुरेश ने एक थप्पड़ मारा, उसको इसके नक्सलवादी गुंडों ने कितना पीटा, आज उसके मंडासन स्थिति में है, उसको पुलिस मूल्य भी नहीं दे रही, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे देशद्रोही केजरीवाल को उससे पहले वह जो सुल्तानपुरी का लाली था उसके घर में मिलने गया था, उसके पैर में इतने मोटे मोटे फफोले पड़े हुए थे जितना बड़ा अंडा होता है। ये तो केजरीवाल आतंकवादी है, देशद्रोही। मैं पूरे देश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे सैनिकों की हत्या करवा रहा है, जो हमारे सैनिकों को मरवा रहा है, अभी देखे ना ये गढ़चिरौली में जो 15 सैनिक मारे गए, इसके ऊपर इसके गैंग के किसी आदमी ने शोक प्रकट किया, ये तो गैंग लीडर है, मास्टरमाइंड है, ये तय करता है कि कब नक्सली आतंकवादी हमारे सैनिकों को मारे और कब घर में घुस जाए। मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूँ, इसकी आम आदमी पार्टी का और इसके जितने भी गैंग के लीडर हैं, चाहे वो विनायक सेन हो चाहे GN साई बाबा हो, इन सबका खात्मा करे। और मैं देश के शहीद जो सैनिक हुए हैं नक्सलवाद में, जो सैनिक मारे गए, उनके घर वालों से मैं अपील करता हूँ कि इन देशद्रोहियों को मारकर अपने जो बाप भाई है, बहन है, बाप भाई है, उनकी हत्या का बदला ले। मैं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, अभी हम लोग उस गेट पे खड़े हैं जहाँ से सुरेश को निकालने वाले हैं, ये लोग कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, जबकि सुरेश के ऊपर में ऐसी कोई धारा नहीं है, 323 की धारा है, इसके लिए किसी जमानत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसको फौरन उनके सारे घर वाले आए हुए हैं, उनको भी नहीं मिलने दे रहे हैं। मैं पुलिस से और DCP मोनिका जी से मैं ये अपील करता हूँ कि आप सुरेश को उनके घर वालों के हवाले करें, ताकि हम लोगों को उसका इलाज कराने में हमको आसानी हो सके। पुलिस के कस्टडी में रहते हुए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और उसके घर वाले बेहाल हुए पर है, मैं उनके घर में गया था अभी, जहाँ से मुझे पता लगा कि थाने में रखा हुआ है। मैं थाने में 2 बार अंदर मैं घुसा हूँ, इन लोगों के मजलिस के खिलाफ घुसा हूँ, और जाकर के चारों तरफ मैंने देखा है, मैंने लॉकअप में भी देखा है, लॉकअप में सुरेश नहीं है। किस कमरे में इन्होंने बंद करके रखा है, और यदि किसी कमरे में बंद करके रखा है तो वो धारा 342 के मुताबिक अपराध है, पुलिस अपराध कर रही है। एक निर्दोष राष्ट्रभक्त को प्रताड़ना देकर के उसको फौरन हम सभी मीडिया वालों के सामने, उनके परिजनों के सामने उसको पेश करें और उसको घर में जाने दें, ताकि उनके जो परिजन लोग हैं यहाँ पर व्यथित हैं, वो लोग उसका सही से इलाज कर सके। और उसके साथ साथ हमारे अंजान आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्दों में इसके बारे में विवरण दें। तो कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक अनजान आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, इस प्रकरण को लेकर कहेंगे कि जो सुरेश ने किया, एक थप्पड़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मारा, वो भी गलत किया, एक थप्पड़ मारना भी कोई उचित नहीं था। मुख्यमंत्री है, वो एक पद पे आसीन है, केजरीवाल जी की एक्टिविटी क्या है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका क्या नेतृत्व है, नक्सलवाद से उनका संबंध है, वोट फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को एक थप्पड़ मारना एक हमारे देश की गरिमा के खिलाफ। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये कहाँ का न्याय है कि उसके ऊपर हजारों थप्पड़ मारे, जिन लोगों ने हजारों थप्पड़ मारे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? एक थप्पड़ की सजा है, उसको इतने दिन से डिटेन करके रखे हुए हैं, ना उसको परिवार वालों को करने दे रहे हैं, ना किसी से खाना पानी की बात करने दे रहे हैं, जबकि लोग बता रहे हैं कि उसकी नियत है। आप क्या संदर्भ को लेकर आप क्या होना चाहिए? सुरेश के साथ जो होना चाहिए वो कार्रवाई न्यायालय करेगी, कोर्ट करेगा, न तो वो पुलिस के प्रशासन के अंतर्गत है कि वो करे, न तो पुलिस प्रशासन को इतनी देर तक उसको अपने थाने में रखना चाहिए। ऐसी कोई धाराएं नहीं लगी हुई है, 323 की धारा है, उसे उसको मुचलके की जमानत में उनको परिवार को खुश कर देना चाहिए या न्यायालय में पेश करना चाहिए सबका।
और जब तक केजरीवाल जी इस समय मतलब कैसी सरकार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, हिंदू की पार्टी बना रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी जो थी उसको आप हिंदू की पार्टी प्रस्तुत कर रहे हैं, देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको जो आप एक उम्मीदवार के उस रोड शो में जाते हैं जबकि उम्मीदवार एक उम्मीदवार के लिए जो है पूरी प्रशासन व्यवस्था मिलती है, तो आप अपने गुंडों के सुरक्षा चक्र में क्यों थे?